Hello everyone. So as we all know, the TinySet exam is very near. So we'll discuss some important tips today that can help you secure a rank under 200 in upcoming TinySet exam. So as we all know, MBBS का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. एंड एग्जाम में अगर आपने फ्रिक्वेंटली देखा होगा तो ओनली 15 to 20% ऑफ द टॉपिक्स आर आस्ट और वही टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं. बिकॉज MBBS का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी बंदा चाहे वो सारी टेक्स्ट बुक पढ़ ले वो रिटेन नहीं रख सकता. इसलिए एग्जाम में सिर्फ वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिनका आगे देयर इज सम रेलिवेंस एंड ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड. सो आपको हार्ड वर्क नहीं करना क्योंकि दिस इज द फील्ड जिसमें आप हार्ड वर्क करोगे. अगर ज्यादा सारी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आप कभी उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे. यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग. और अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो यू कैन डेफिनेटली सिक्योर अ वेरी गुड रैंक. बिकॉज एग्जाम के लिए पढ़ना या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना और अपने लिए पढ़ना फॉर नॉलेज सेक के लिए पढ़ना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग इन दिस लाइन. बिकॉज अभी जैसे मेरे को ड्यूरिंग MBBS टाइम में कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट था तो उस टाइम पर मैं कार्डियो की बहुत सारी बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ता था. बट दोज वर नॉट फॉर द एग्जाम. सो एग्जाम के लिए यू शुड बी फोकसिंग ऑन ओनली 15 to 20% ऑफ द सिलेबस जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एंड यू शुड हैव अ ग्रेट कमांड ऑन डेट. सो अगर किसी ने पूरा सिलेबस भी पढ़ा है 100% सब टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है और उसका वो 15 to 20% पे कमांड नहीं है तो उसकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसने वो 15 to 20% सिलेबस को एकदम परफेक्शन के साथ पढ़ लिया. ओके सो यू कैन डेफिनेटली सिक्योर अ गुड रैंक तब क्योंकि बाकी जो 80% सिलेबस है उससे मोस्ट मुश्किल से 5 to 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो यू शुड बी डूइंग स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर एग्जाम. सो फर्स्ट टिप इज दैट यू शुड बी डूइंग योर वर्क स्मार्टली रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क. अदर देन दैट देर आर 3-4 थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग विद परफेक्शन इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द एग्जाम. फर्स्ट थिंग इज यू शुड नॉट मिस अ सिंगल PYQ ऑफ लास्ट 5 years एट लीस्ट. ओके सो यू शुड बी योर ऑल PYQ शुड बी ऑन योर कमांड. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई PYQ रिपीट हुआ बिल्कुल सेम और आपका वो गलत हो गया. ओके बिकॉज यहीं पर लोग लैग कर जाते हैं. अगर मान लो 10 PYQs भी रिपीट हुआ बिल्कुल सेम लैंग्वेज में एंड सेम ऑप्शन के साथ तो अगर किसी ने 8 सही किए तो वो अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि PYQs में आपको देर इज नो स्कोप ऑफ एरर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने 5 years के यू शुड डू इट करेक्ट और 100% सही होने चाहिए. अदर देन डेट आपके 20th कॉपी जो आप बनाते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन वो आपके पूरे कमांड पे होनी चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड फ्रॉम देयर. ओके अलोंग विद दैट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपके सारे कमांड पे होने चाहिए. इवन दो आपके नोट्स है आप बहुत सारी चीजें भूल भी रहे हो बट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स से यू शुड नॉट बी लीविंग एनीथिंग. अदर देन डैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इज कि शॉर्ट सब्जेक्ट बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं. बट द थिंग इज कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर वेरी स्कोरिंग बिकॉज हमारे पास नोट्स कितने होते हैं. मेरे पास 45 पेज नोट्स है डर्मेटोलॉजी के 40 पेज ऑफ साइकेट्री और शॉर्ट सब्जेक्ट्स बिकॉज हम लोग MBBS में इतना फोकस नहीं करके पढ़ते तो जिन्होंने शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते उनके वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होते एज कम्पेयर टू मेडिसिन और सर्जरी क्योंकि उनके क्वेश्चन तो हम मेडिसिन और सर्जरी हम सेकेंड ईयर MBBS से पढ़ रहे हैं तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इवन दो हम नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब भी. बट शॉर्ट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते एंड द थिंग इज कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी ईजी आते हैं कंपेरेटिवली. तो इफ यू सी कि आपके नोट्स से ही सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. सो फोकस ऑन शॉर्ट सब्जेक्ट्स दे आर वेरी स्कोरिंग. अगर आपके 6 शॉर्ट सब्जेक्ट से भी 35 to 40 क्वेश्चन भी आ गए और आपने उनमें से 30+ करेक्ट कर दिया तो यू विल बी एट अ ग्रेट एडवांटेज एंड यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर रैंक बाय दिस स्ट्रेटेजी. अदर देन डैट मेरी एक स्ट्रेटेजी हमेशा रहती थी कि मैं 4-5 सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखता था. उससे क्या बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट वो 4-5 सब्जेक्ट्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे दैट कैन कंपनसेट योर वीक सब्जेक्ट्स. क्योंकि वीक सब्जेक्ट्स का ऐसा है ना कि वीक सब्जेक्ट मैं 6 बार भी पढ़ लूंगा बट स्टिल मुझे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग रखना इज इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा 4-5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखता था ताकि वो कंपनसेट कर लेते मेरे वीक सब्जेक्ट से मार्क्स को. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि 19 के 19 सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे या 19 के 19 सब्जेक्ट्स आपके के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए. ओके सो एटलीस्ट कीप 4-5 वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जिसमें यू आर फुली कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स. अदर देन डेट अभी जो प्रिपरेशन का टाइम होता है एटलीस्ट 4-5 months ऑफ प्रिपरेशन ट्राई टू अवॉइड टेक्स्ट बुक्स और ट्राई टू अवॉइड थिंग्स दैट यू कैन नॉट रिवाइज. सो सपोज मेरा मन था और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ भी लिया और अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा तो 80% ऑफ द थिंग्स मैं भूल चुका हूँ. सो वो चीजें मत पढ़ो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन.
एटलीस्ट जो लास्ट 4 to 5 months ऑफ प्रिपरेशन के होते हैं, जिसे आप रिवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज डेट विल वेस्ट योर टाइम. क्योंकि जो रिवाइज नहीं करोगे आप, वो 80% आप भूल जाओगे. ओके, सो डोंट रीड एनी थिंग डेट यू कैन नॉट रिवाइज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. अदर देन डेट यू शुड डिक्रीज योर सिली मिस्टेक. तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा रहती थी डेट GT सॉल्व कर करके, या फिर बाय नोइंग द पैटर्न ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट आई डू, आई रियली टेंड टू डिक्रीज माई सिली मिस्टेक्स. क्योंकि सिली मिस्टेक्स इज द मेजर ड्रॉबैक. कोई बहुत ज्यादा पढ़ के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर रहा है और आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करके 10 क्वेश्चन ज्यादा सही कर रहे हैं, तो यू विल बी एट मोर एडवांटेज. ओके, तो आपने स्मार्ट वर्क किया, आपने सिली मिस्टेक्स कम कर लिए, तो आपका आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाएगा. सो ज्यादा पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन सही करने से अच्छा कि कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन ठीक करो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो. ओके, सो यू शुड रिड्यूस योर सिली मिस्टेक टू अ मिनिमल पॉसिबल लेवल. अदर देन डेट यू शुड डिवाइड योर डे सो डेट यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि ग्राफ हमारा डाउन जाता है. अगर मैं कहूँ कि 12 to 14 hours सबको पढ़ना है, अभी तो लास्ट मंथ भी आने वाला है, इतना सब पढ़ते हैं, बट यू शुड डिवाइड इट ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो. यू शुड टेक स्मॉल एंड स्मॉल ब्रेक्स. ऑल्सो यू शुड चेंज द सब्जेक्ट, और यू कैन चेंज कि आप अभी रिविजन कर रहे हो, थोड़ी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. एंड डिस्कशन वट आई थिंक इज द बेस्ट थिंग. मैंने अपने पूरे MBBS टाइम में, MD टाइम में डिस्कशन ही किया है. कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी कैन डिस्कस, वो याद रहता है लॉन्ग टर्म तक. कोई अच्छा पेशेंट आया, वी डिस्कस, तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है. इट कैन हेल्प यू क्रिएट अ गुड मेमोरी ऑफ द टॉपिक एज वेल एज द क्वेश्चन. अदर देन डेट यू शुड फोकस ऑन शॉर्ट सब्जेक्ट. अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर रियली रियली स्कोरिंग, एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज योर रैंक. यू कैन क्रिएट अ ग्रेट डिफरेंस इन योर रैंक by getting good marks in short subjects. Okay, so all the best guys for your upcoming INSET exam. Focus on these tips and you can definitely get a rank under 200. All the best guys.